का 1 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय 1 - के 2 आइटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इरेज ऑल किया मैंने, 3 + 1 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय 1 - के 2 आइटा। यस, 1 - के 2 आइटा। तो इसे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू। और थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए कंपैरिजन किससे करेंगे, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट। फिर मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकल जाएंगे तो हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके आर्ग्यूमेंट से, डिनोमिनेटर के आर्ग्यूमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आइटा। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ये हमने मल्टीप्लाई करा इन दोनों को, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आइटा से, प्लस के 3 आइटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आइटा से, डिवाइडेड बाय किसके, ये क्या है a - b और ये क्या है a + b। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a² - b² यानी कि 1² - 2 आइटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 आइटा प्लस 3 आइटा प्लस के 6 आइटा स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, तो कितना हो जाएगा, 6 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके, 1 - के 4 आइटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी फॉर्म आ गई। अब इस ये क्या हो जाएगा, 6 आइटा स्क्वायर है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, -k 6 यानी कि -k 5 प्लस 5 आइटा डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा, 5k। ठीक है, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 और -, प्लस हो जाएगा यानी कि 1 + 4। तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाती है। इसे हमें 5 से हम डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करते हैं इसको, -5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस के 5 आइटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसे हम, -1 प्लस के आइटा। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, -1 प्लस के आइटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे हम कंपैरिजन करेंगे, हम एक्स और वाई किसकी वैल्यू निकालें, क्योंकि जो ये रियल पार्ट होता है वो तो एक्स वैल्यू होती है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -k 1 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस जेड इज इक्वल टू किसके होता है, x² + y². ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो -1² + 1² इज इक्वल्स टू किसके होता है, √2 के। ठीक है, तो मॉडुलस की वैल्यू आ गई √2। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू पता करेंगे कि थीटा कहाँ पर लाइज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे कंपेरिजन करते हैं। तो आर कॉस ये क्या है, -1 और ये क्या है, +1, राइट। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि एक्स क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, -1 यानी कि पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव वाली एक्स एक्सिस, और वाई कौन सी है, पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस यानी कि -+, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाइज करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कितना हो जाएगा, π - θ। ठीक है, तो हमें पाई पता थीटा पता चल गया कि कहाँ पे लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अब हम क्या निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किसके है, आर कॉस थीटा हमारे इक्वल है -1 के। ठीक है, और आर साइन थीटा किसके इक्वल है, +1 के, राइट। आर की वैल्यू हमें पता चल गया क्या है, √2। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1 के √2, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, +1 के √2।
ये आपको पता चल जाएगा इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने 5.2 एक्सरसाइज मेरी देखी होगी कि आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से हम क्यूज में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि पॉलर फॉर्म में आर कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा होता है, ठीक है। इमेजनरी वाला इमेजनरी से इसमें कनेक्ट होगा और रियल वाला पार्ट रियल से होगा, ठीक है। तो थीटा इसके अंदर क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर, ठीक है। और थीटा लाइज किस में कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट होगा हमारे पाई माइनस के थीटा, और थीटा क्या है हमारा π/4, यानी कि कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, 3π/4। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी आ गई और मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, √2, राइट। तो पॉलर फॉर्म क्या हो जाएगी, z = √2, ठीक है, cos 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पोलर फॉर्म हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इससे पहले हम इसमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ इसमें की। सबसे पहले हमने क्या करा, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, कंजुगेट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई -1 + i। फिर उसे हमने कंपेयर इसे कंपेयर किया एक्स और वाई वैल्यू से, एक्स क्या रियल वैल्यू वाली, रियल वैल्यू को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे हम इमेजनरी वैल्यू को। तो इसमें क्या है, +1। उससे हमने क्या निकाला, मॉडुलस निकाल लिया जो कि √2 आया। फिर उसके बाद हमें थीटा निकालना था, जिसे हमने कंपैरिजन करा आई आर कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, -1 के, और आई साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, +1 के, ठीक है। फिर हमने क्या करा, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/√2, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2, तो जो कि किसकी वैल्यू होती है, पाई साइन 45 की होती है, और 45 का मतलब कितना होता है, π/4। और थीटा हमारा किस में लाइज कर रहा है, क्योंकि माइनस एक्स क्वाड्रेंट है और वाई एक्सिस में क्या है, प्लस है, तो क्या कौन से में लाइज करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो मीन्स दैट कि आर्ग्यूमेंट्स किसके इक्वल होगा, पाई माइनस के थीटा, और थीटा इज π/4, इट मीन्स 3π/4। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, √2 ब्रैकेट में cos 3π/4 + के आइटा साइन 3π/4, ठीक है।